हेलो जी, वेलकम बैक। तो आज नियाग्रा ट्रिप का हमारा तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और हमारा दिन 4:30 बजे स्टार्ट होता है क्योंकि सुबह से आज बहुत तेज़ बारिश थी पूरे एरिया के अंदर और अभी भी हल्की हल्की आपको दिख रहा होगा क्लाउड्स हैं ऊपर, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तो हम सुबह से वेट करते कि बारिश रुकेगी तो हम घर से बाहर निकलेंगे, बट बारिश नहीं रुकी तो हम 4 बजे घर से निकल गए थे। अभी हम लोग हैं इस एरिया में, मेरे पीछे भी आपको दिख रही होगी ये एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लोरल क्लॉक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम नियाग्रा ऑन दी लेक्स वाले एरिया के अंदर आए हैं। सुबह घर से हमारी ड्राइव थी वो आधे घंटे की थी और यहाँ पे ये पार्किंग का सिस्टम है। जो पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो सामने काफ़ी सारे लोग हैं जो पिक्चर क्लिक करा रहे हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, मोस्टली इंडियंस हैं, और भी लोग दिख रहे हैं पर ज़्यादातर इंडियन दिख रहे हैं। तो इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और क्लॉक के थोड़ा पास चलते हैं, क्लॉक को भी देखते हैं और आसपास की सराउंडिंग्स में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए हैं। ये मेरे सामने है जी कलरफुल क्लॉक, तो इसको थोड़ा पास से चल के देखते हैं। तो अभी धूप निकल गई है, क्लाउड थोड़े छट गए हैं तो अच्छा है, अभी थोड़ा घूम लेंगे क्योंकि सुबह से तो घर पे बारिश के अंदर ही बैठे हुए थे। तो जो अभी मैंने आपको क्लॉक दिखाई थी उससे थोड़ी सी ड्राइव करके हम आगे आए हैं। यहाँ पे ये है जी ओंटारियो पावर जनरेशन, ये पूरा प्लांट है और ये इसके सराउंडिंग्स में इसकी पूरी बिल्डिंग है। वो लिखा है सामने सर एडम बैक जनरेटिंग स्टेशंस नियाग्रा प्लांट ग्रुप। और वो एक सामने रेनबो ब्रिज की तरह ब्रिज चल रहा है। तो इस जगह की वाइब बहुत अच्छी लग रही है और अभी बारिश बिल्कुल रुक गई है, धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। और ये है जी इसका ही पूरा हिसाब किताब। तो अभी जी टाइम बच गए हैं 5:35, तो सामने आपको दिख रही होगी बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, तो इसके अंदर चलते हैं और टिकट्स देखते हैं टिकट्स कितने की है। पार्किंग इसकी वो पीछे थी, हमने वहाँ गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। तो बटरफ्लाई कंजर्वेटरी के अंदर हम लोग आ गए हैं। ये है जी बटरफ्लाई की टिकट्स, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी वो थी 1799 कैनेडियन डॉलर फॉर अडल्ट और किड्स बिलो 3 फ्री हैं, तो टोटल मुझे USD में $32 पे करने पड़े हैं इसके लिए। तो टाइम अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। तो आज के दिन का वैसा आज कुछ हम आइटनरी प्लान करके नहीं निकले थे, वैसे ही निकले थे कि आसपास की चीज़ें जो हैं उसको कवर करेंगे देखेंगे। तो एक कलरफुल क्लॉक हम लोगों ने देख ली थी, उसके साथ में ओंटारियो इलेक्ट्रिसिटी डैम था वो हम लोगों ने देख लिया था, और अभी हम बटरफ्लाई ऑब्जर्वेटरी आए थे उसकी पार्किंग में हूँ। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं नियाग्रा ऑन दी लेक्स। तो नियाग्रा ऑन दी लेक्स यहाँ से जो ड्राइव है वो है 10 माइल और 16 मिनट्स लगेंगे टोटल पहुँचने में। नियाग्रा ऑन दी लेक्स बेसिकली एक टाउन है तो डाउनटाउन भी है उसका, वो डाउनटाउन भी कवर करते हैं, डाउनटाउन घूमेंगे।
नियाग्रा ऑन दी लेक्स के रास्ते में ये एक सामने आपको छोटा सा बूथ दिख रहा है, ये इसके ऊपर लिखा है फ्रेश फ्री रिपेंडेंट फ्रूट्स। तो ये बेसिकली फ्रूट मार्केट है, ये सामने एक बूथ है। तो नियाग्रा ऑन दी लेक्स के रास्ते में जब हम लोग निकले थे तो ये हमारे रास्ते में आया फ्रेश राइपन फ्रूट्स। तो देखते हैं क्या क्या फ्रूट्स हैं इनके पास। फ्रूट्स में इनके पास सिर्फ फ्रेश चेरीज ही हैं। चेरीज ऑलरेडी हमने कल जब हम घर से निकले थे कॉस्को से हमने ऑलरेडी बहुत बड़ा बॉक्स चेरी का ले रखा है, और कोई फ्रूट नहीं है। तो देख रहे थे शायद कुछ और फ्रूट मिलेगा, पर सिर्फ चेरीज हैं, तो चेरीज हमें नहीं चाहिए। और चेरीज का जो छोटा बॉक्स था वो था $5 का, और जो बड़ा बॉक्स था वो था $17 का। तो छोटे बॉक्स में शायद 1 LB होंगी, बड़े बॉक्स में शायद 5 या 6 LB होगा, ऐसा कुछ था इसका हिसाब किताब। तो अभी निकलते हैं आगे, टाइम अभी बच गए हैं 7:45 और हम लोग पहुँच गए हैं नियाग्रा ऑन द लेक्स टाउन। ये है जिसकी मेन स्ट्रीट, तो अभी हम लोग खड़े हैं सारे स्ट्रीट पे, मेन रेस्टोरेंट्स और ये है। और ये गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी की है, पार्किंग का सिस्टम है ये, $5.25 पर आर है। QR कोड स्कैन करो और पेमेंट कर दो। मैंने QR कोड स्कैन करके अपनी गाड़ी 2 घंटे के लिए यहाँ पे पार्किंग की पेमेंट कर दी है। तो अभी इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। Wanna say hi to puppy? Hi, cute puppy. Very cute. Time हो गया जी 8:40 और एक शॉप से हमने ये वेफल प्लस ये आइसक्रीम ली है। और अभी हम जा रहे हैं लेक फ्रंट है उसकी तरफ। लेक फ्रंट यहाँ से बिल्कुल सामने ये स्ट्रीट जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहीं पे है। तो 5 मिनट की वॉक के बाद हम पहुँच गए हैं उस पार्क में। तो ये रिवर फ्रंट है सामने, उधर काफ़ी सारे ये पत्थर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं, यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही सही है। टाइम बच गया जी 9, सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला ही है। और ये नियाग्रा रिवर का बीच फ्रंट है, शायद उस उधर की तरफ वो दिख रहा है, वो एक फोर्ट था। और ये पूरा सीमेंटेड बना हुआ है और इस पर ऐसे पत्थर पड़े, आप इसके ऊपर बैठ सकते हो। और अभी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर इज़ लाइक 23 degrees आई गेस। और इस पर अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वॉक कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, आप लोगों को भी जब भी आप आ रहे हो बिल्कुल उस स्ट्रीट से 2 स्ट्रीट कवर करके हम लोग पीछे आए थे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के 2-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो लेक फ्रंट के सामने। तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और उसी मेन स्ट्रीट पे चलते हैं जहाँ गाड़ी पार्क की थी। तो अभी टाइम 7 हो गए हैं ऑलमोस्ट, हम मेन स्ट्रीट पे आ गए जहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की थी। तो यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तो आज वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह। कल सुबह हमने अपने एयरबीएनबी से चेकआउट करना है और सुबह हम लोग एक बार नियाग्रा फॉल्स की जो एक दो एक्टिविटी रह गई है वो ज़रूर करेंगे। तो कल सुबह आपसे मिलता हूँ, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।